भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 28 जून 2019 को मारवा स्टूडियो में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और भविष्य में आपसी संबंधों को और भी मजबूत करने की बात की गई। कार्यक्रम में वियतनाम के एम्बेसडर पाम सान चाउ, ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, सुभाष गोयल, पृथ्वी रंजन, विनीता कपूर सहित देश के कई अन्य गणमान्य महानुभावों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। ICMEI के प्रेसिडेंट और मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा ने भारत और वियतनाम के सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि हम दोनों देशों के आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। भारत और वियतनाम के बीच संबंध बहुत पुराने समय से हैं। हम दोनों देशों की कला, संस्कृति और शैक्षणिक उत्थान के लिए मिलकर कार्य करना होगा ताकि दोनों देशों का संतुलित विकास हो सके और आपसी संबंधों पर भी मजबूती आ सके। Only 8 months back, he's been in India, and since he has joined this good office, he has been very dynamic, very aggressive, very cooperative, and some of the finest decisions are now being taken under his leadership when it comes to India and Vietnam relations are concerned. Probably this is the first road show where we are propagating the direct airlines between New Delhi and Hanoi, and we wish, we pray, and we are sure that this venture which His Excellency has taken into his hand is going to be fulfilled in just few months, and 29th October we would love to be present on the first flight from New Delhi to Hanoi. I hope this happens on 29th October for sure. Lovely, sir. Maybe we might have to shift to the right on that side because we want the curtain to be down. And may I request Mr. Pruthi Ranjan to give us a little more detail about Vietnam. Thank you very much. I feel like actually flying to Vietnam tomorrow morning. Let's give a big hand to Indo-Vietnam friendship. Well, I think very impressive, both the films, the film on tourism, as well as the such a sumptuous food what you are looking at. It's looking so appealing and inviting. वियतनाम के एम्बेसडर पाम सान चाउ ने कहा कि भारत और वियतनाम के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं और वियतनाम ऐसा देश है जिसने भारत के योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले मान्यता दी। उन्होंने संदीप मारवा की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 29 अक्टूबर से नई दिल्ली और वियतनाम की राजधानी हनोई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरू की जा रही है जिससे दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत होंगे और सभी प्रकार के पर्यटन में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सुभाष गोयल, पृथ्वी रंजन सहित सभी महानुभावों ने अपने अपने विचार साझा किए और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से दोनों देशों में आपसी सौहार्द बढ़ेगा और एक दूसरे को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, व्यापार, पर्यटन में वृद्धि होगी और एक दूसरे देशों के सभ्यता, संस्कृति को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य नॉट वेरी लॉन्ग अगो वी क्रिएटेड इंडो वियतनाम फिल्म एंड कल्चर फोरम विच वॉज इनिशिएटेड बाई द एम्बेसी ऑफ वियतनाम इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम,
And we had some wonderful events earlier also. There was a Miss Supermodel from Vietnam which participated 2 years back in our Global Fashion Week. The Ambassador of Vietnam and his complete team had a wonderful fashion show last year in our Fashion Week again. We had some festival of films from Vietnam earlier, but this time, this is for the first time that we have conducted a road show for Vietnam and for its tourism. We are very happy that government of Vietnam and Indian government together working on a direct flight from New Delhi to Hanoi, and very soon, probably in the month of October, this flight is going to start. We are very happy that this committee on Indo-Vietnam Culture Forum has taken a lot of initiative and pushing this beautiful idea of having a direct flight from New Delhi to Hanoi. Hum log, हमने थोड़े ही महीने पहले इंडो वियतनाम फिल्म और कल्चर फोरम का गठन किया था और इससे पहले भी हम लोग वियतनाम की जो सुपर मॉडल है उसको अपने फैशन वीक में बुला चुके थे. हमारे यहाँ पे पिछले साल फैशन वीक के अंदर वियतनाम की पूरी एम्बेसी ने बड़े जोश और उल्लास के साथ भाग लिया था. तकरीबन 35 डिप्लोमेट और उनकी मिसेज ने यहाँ हमारे मंच पर वियतनाम की ड्रेसेस को प्रदर्शित किया था और हम लोगों ने वियतनाम की फिल्मों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है पहले. और इसी के साथ ये पहली दफ़ा है कि हम लोग एक रोड शो का आयोजन कर रहे हैं जहाँ पर वियतनाम के अम्बेसडर और उनकी पूरी एम्बेसी के सभी डिप्लोमेट यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वियतनाम और उसकी तमाम खूबसूरती और उसके तमाम जो कल्चर है उसको यहाँ फिल्मों के ज़रिए और बातों के ज़रिए यहाँ प्रदर्शित किया है. या मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है उसके बीच में एक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी और उस फ्लाइट के शुरू होते ही मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान और हनोई के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे. टूरिज़्म बढ़ जाएगा, आना जाना बढ़ जाएगा, दोनों देशों के लोगों के बीच में फिर से एक बार नई मोहब्बत जागेगी. देखिए, भारत सरकार सिर्फ आपको प्रोत्साहित कर सकती है. काम तो डिपार्टमेंट्स ने करना होता है. जितना जोर परमिशन देने में भारत सरकार देगी उतना ही जोर वियतनाम की सरकार को भी लगाना पड़ेगा. और ये वाला जो स्टेज है ये पूरी हो चुकी है और अब तो ये है कि कौन सी एयरलाइंस कौन सा जहाज़ लेके दिल्ली से हनोई जाती है और हनोई से दिल्ली आती है. अब तो उस स्टेज पर बातें पहुंच चुकी हैं. सर, दिल्ली से हनोई तक डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है, आपको क्या लगता है क्या इंडियन लोग जो भारतीय लोग हैं वो पहुंचेंगे वियतनाम? मैं समझता हूं कि लोगों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेवलर है वो हिंदुस्तानी है. हम लोग लाखों की संख्या में हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं और यूरोप, अमेरिका और यहाँ जापान तक पूरे दुनिया का भ्रमण करते हैं. ये हमारे पैरों में चक्र है और हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो नई नई डेस्टिनेशन की हमेशा खोज में रहते हैं. और जब से हम लोगों ने ये बोलना शुरू किया है कि वियतनाम को अब डायरेक्ट फ्लाइट जाना शुरू हो जाएंगी तो लोग ऑलरेडी उतावले हो गए हैं. बल्कि आज सुबह ही हम लोगों ने अम्बेसडर साहब के साथ बैठकर एक MOU बनाया है जिसके अंदर हम लोग इस पूरे यात्रा का जो भ्रमण होगा उसके लिए इनको पूरी सहायता करेंगे. द कॉन्फ्रेंस इज फैंटास्टिक, इट इज अ ग्रेट सक्सेस. आई हैव कंडक्टेड मैनी सिमिलर कॉन्फ्रेंसेस बट दिस वन मेक मी फील वेरी टच बिकॉज दिस इज द इनिशिएटिव बाय द चैम्बर. द चैम्बर केम अप विद द इनिशिएटिव एंड इट कंडक्ट ऑन इट्स ओन. And it's have so many nice initiative on board. I welcome the initiative and I thank the chamber and especially the president for this nice initiative and kind support extending to Vietnam. It's an opportunity to showcase Vietnamese tourists as a destination, but also this is an opportunity to strengthen the position of the chamber. It's not only entertainment chamber, but also it's become a chamber that help to promote tourism and through tourism to strengthen the contact between people and people. So how do you promote Vietnam tourism in India for the common people? Yes, this is also for the common people because I think that all human beings are fond of traveling. So this is a nice destination and to a certain extent still exotic destination for the common
Indian people. There's a good news, direct flight for New Delhi to Hanoi. Yes, we are pleased to announce the new direct flights, which are scheduled to take off on the 3rd of October. Sector Kolkata Hanoi, operated by Indigo, which I have the opportunity to work closely over the past 5 months, and with Vietjet, and also a Vietnamese airline, which will fly Hanoi, New Delhi, Ho Chi Minh City, starting on the 29th of October. You have used the visa policy. The visa policy, we just launched the platform with 7 steps. You can apply visa on a website online. So you get a visa arrival that will help you to get a paper. With that paper, you can get visa when you arrive in Vietnam. Well, how you are expecting the relations of India and Vietnam in next coming 5 years? I think in the next 5 or 10 years, the relation between Vietnam and India will come substantially, will grow substantially. You see that over the past 2,600 years, it was had been very strong. It was strong, it is strong, it continued to be strong. But I believe that with the new mandate of the Prime Minister Modi, and especially with the new foreign policy of making India a truly global player, with a focus on East policy, and considering Vietnam as one of the major pillars in that East policy, the relationship between Vietnam and India will grow substantially in many, many ways, not only in defense, security, economic, but also in cultural exchange and people contact. So what is the role of Sandeep Marwah? Sandeep, he's so instrumental. I would say that I have been here just 8 months, but I don't see any business people, any person so dynamic, so willing to reach out to foreign countries and foreign missions. And he's professional, of course, he's well known in your media, but he is, I can name him as ambassador of India to foreign countries based in New Delhi. Thank you, sir. Today was a great day, I will feel, because we had such a different event. I normally attend many events, but today is very different because we have people from all different background to promote India-Vietnam relationship and to promote especially Vietnam from India. As His Excellency today said, we don't have direct flight from India to Vietnam, and that's a big drawback and a big challenge for Indians going to Vietnam. Right now the people goes to Vietnam about 90 or 95,000 Indians going to Vietnam. But I'm expecting if the direct flight starts from India to Vietnam, especially from Kolkata to Hanoi or New Delhi to Ho Chi Minh City, the number of travelers can be doubled overnight, I feel. Because a lot of people are keen to see the destination, but because of the flight challenge, they're not able to go. And India and Vietnam also similarity in many ways on culture and cuisine, religion, many similarities. As you know, Buddhism are also very famous in Vietnam. Many people follow Buddhism, as like in India. Food and cultural habits are same. As His Excellency said, like we have joint family system in India. Same you will find in Vietnam. So people are very nice, very cordial, very hospitable. When I was being in Vietnam, I felt that Indians must visit Vietnam to see beautiful Halong Bay, Hanoi, the capital, Nha Trang and Panthiet beaches, Ho Chi Minh City, the commercial city of Vietnam. So all places, you know, can be visited. So I'll welcome all of you to visit Vietnam. So what else you are expecting from the government to accelerate the tourism within India and Vietnam? Yeah, so both ways possible, like we have inbound to India from Vietnam and from outbound from India to Vietnam. So as I said, government is must speed up the approval process, because airlines normally apply for approval and they wait for long time to get approval from the government to the flight to be started. So we expect the government to
you know, to speed up the process to start the flight. So how you are seeing the relations between India and Vietnam after 5-10 years? The relations between India and Vietnam? Yeah. So as I said, when people travel to India to Vietnam, they see the people, the local people. So the key point is, connectivity. So if flight starts, many people go, then there will be big cultural exchanges will happen, which is already happening. But I see a lot of growth after the direct flight starts.